welcome each one of you to the press preview and trailer launch of a very special collaboration that we have. We have with us today the Vice President of Spotlamp, that's a portal which we've got the head, Rashida Himbani Ji, heading it, and she's collaborated with music and sound with Mika Singh with this new song, and we'll be launching it exclusively on this site first, and then we shall be launching it on 9X, 9XM, Tashan, and many others. So as most of you know, we've got a legendary collaboration between two icons. An icon who not just churns back-to-back hits, but also gives party anthems. Yes, the man who is with us, Mika Singh, and the legendary Grammy Award winner, Shaggy, who you have learnt and heard giving up back-to-back hits. You've heard It Wasn't Me, Hey Sexy Lady, and Mr. Boombastic. He's the man. And before I actually officially talk about the song, this song was chosen by not just Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Deepika, Hrithik. All of them wanted to collaborate, and they requested Mika Ji that they should collaborate this song with him. But I think destiny had it this way, that both the legendaries came out with this, because the song is truly very, very special. Without talking much, I would request Rashida Ji to kindly talk about her collaboration first, and about the portal that she has, and then we shall continue with the launch. So, पहले तो Spotlampe.com एक टिपिकल पोर्टल नहीं है. Spotlampe.com 9X मीडिया का खुद का म्यूजिक लेबल है. We call it Spotlampe. We call it Spotlampe.com. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ग्रुप के 5 म्यूजिक चैनल्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, 9X, एम, टशन, जलवा, ओ और झकास मराठी. हमारा एंडेवर ये साल यही है कि जितना भी अच्छा म्यूजिक है, ओरिजिनल म्यूजिक है. बॉलीवुड तो म्यूजिक हम सब प्ले करते हैं और अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं. मीका के उसमें भी बहुत सारे गाने आई थिंक एवरी नेक्स्ट मंथ आ जाते हैं. But our endeavor was this time कि हम ओरिजिनल म्यूज़िक लॉन्च करें. हमने शंकर जी के साथ एक गाना रिलीज़ किया है, मीका के भाई के साथ भी दलेर जी के साथ गाना रिलीज़ कर रहे हैं अगले मंथ, सलीम सुलेमान जी के साथ ऑन स्टेज किया है, कैलाश खेर जी का लॉन्च कर रहे हैं. बट ऑनेस्टली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गाने के बारे में कि एक बार सैटरडे रात को हमारी व्हाट्सएप पर चैट हो रही थी एंड मीका ने मुझे बोला था I'm going to be doing this collaboration with Shaggy. And we as a network, हम बहुत excited थे because we thought that you know मीका का जो vibe है, उसका music है, उसका style है, और जब Shaggy के साथ collaborate होगा तो definitely it will be a very very interesting mix of song. And as a channel, as a music channel, as a music label, we wanted to be the first one to launch it and play it exclusively on our network. So यहाँ से story शुरू हुई. उसके बाद ये बात को 2-3-4 महीने लगे. गाना बना, वीडियो बना, सब तैयारी हुई एंड वेरी वेरी हैप्पी कि वी आर द वंस हु आर ब्रेकिंग दिस इन द इंडस्ट्री. वी आर द वंस हु आर ब्रेकिंग इट ग्लोबली. वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. अच्छा हो गया. अभी आप मैं सबसे पहले आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला. हमेशा की तरह आप हमेशा सपोर्ट करते हो, आते हो. थैंक्स टू ऑल द मीडिया फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. ये एल्बम का नाम है बेली रिंग और पिछले 4 साल से ये गाना कंपोज हो रखा है, जो कि मेरे भतीजे हैं गोरासिंह एंड मान सिंह. दे हैव कंपोज दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. और गाना कंपोज हुआ, उसके बाद मैंने गाने को और आगे बढ़ाया और अच्छा गाना हमारा बन गया. एंड मुझे याद है हम आईफा अवार्ड्स पे मैंने ऋतिक को ये गाना सुनाया. ऋतिक को बहुत गाना अच्छा लगा एंड बहुत ही गॉट एक्साइटेड किया मुझे गाना चाहिए एंड he wanted to dance on this song और वीडियो के अंदर फ्यूचर भी करना चाहते थे. बट somehow थोड़ा सा डिले होता गया. देन सेम पार्टी में दीपिका मिली, दीपिका पादुकोण. उनको ये गाना बहुत पसंद था. फिर रणबीर कपूर को गाना पसंद आया, रणवीर सिंह को गाना पसंद आया, अर्जुन कपूर को गाना पसंद आया, लेकिन 4 साल में सभी को पसंद आया। संभव गाना हम रिलीज नहीं कर पाए और कुछ बना नहीं, टाइम नहीं लगा कि गाने को रिलीज़ करें या किसी फिल्म में फिट करें या एल्बम निकालें। और जब मैं गाना रिलीज़ करना चाहता था तभी मेरा कोई और हिट गाना हो जाता था, जैसे मिलेगी मिलेगी आ गया। फिर 4 साल में आपने देखा, लास्ट हमने दिसंबर में सोचा था कि हम दिसंबर में निकालेंगे, तो आँख मारे गाना आ गया। तो मैंने को बोला यार थोड़ा रुक जाते हैं, 2 महीने बाद करेंगे। फिर पोस्टर गाना आ गया। तो अभी भी काफ़ी गाने आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि अच्छा गाना हमारा एक एल्बम जो जिसकी बदौलत मैं जाना पहचाना जाता हूँ। जैसे सावन में लग गया आपको आज 20 साल हो गए, और देन समथिंग समथिंग, फिर बिल्लो मेरा सिंगल सॉन्ग था, देन दमा दम मस्करंदर विद हनी सिंह। तो इस गाने को भी काफ़ी टाइम लगा एंड गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग है। जैसे मेरे गाने आम आप सुनते हो उससे बिल्कुल ये उन गानों से बिल्कुल हट के सॉन्ग। और फाइनली कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा वाकई में हो गया। और रंजीता जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये पहले यूनिवर्सल में भी शी वॉज देयर, एंड तब से हमारी प्लानिंग चल रही थी कुछ करना है कुछ करना है। और फिर मैंने इनको मैसेज करा कि ऐसा गाना तैयार हुआ। और फिर जब शैगी का जिक्र आया तो शैगी सर आपको पता है इंटरनेशनल स्टार जितने भी हो वैसे बहुत पैसा मांगते हैं हमेशा परफॉर्म करने के लिए, गाना गाने के लिए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि पहले आप गाना सुन लो शैगी सर, इफ़ यू लाइक द सॉन्ग देन वी कंटिन्यू। तो मैंने उनको गाना भेजा एंड आई थिंक वो LA में थे, उन्होंने सीधा गाना सुना, कोई चार्ज नहीं करा, कोई पैसा नहीं बोला, उन्होंने सीधा गाना गा के मुझे भेज दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि वाकई में हमारे गाने में था। तो फिर हमने गाना मियामी में शूट करा। स्पिफ टीवी करके एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम ही ऐसा है स्पिफ टीवी, जिन्होंने ड्रेक और फ्रेंच मंटाना के काफ़ी वीडियोज़ उन्होंने करे। सो बहुत इंटरनेशनली वीडियो डायरेक्टर हैं। और Then we shot the video in Miami and LA। तो फाइनली ये वीडियो हमारा रेडी हो गया। एंड बहुत टाइम से मेरे फैंस हमेशा बोलते कि गाना एक सोलो गाना आना चाहिए, एक एल्बम आनी चाहिए। तो फाइनली फॉर ऑल माई लवली फैंस बेली रिंग इज फॉर यू। तो इतनी मुश्किल से मैंने मैनेज करा कि वो लगती नहीं इतनी लंबी, लेकिन वो पूरी 5 11 है। तो बड़ी मुश्किल से पूरा ढूंढा LA में कि कोई हील वाले शूज़ मिले, तो भी इतने हील वाले शूज़ नहीं मिले कि जिसके उसका हम मैच करें। तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो हमारा शूट हुआ है, बट ऐसा फनी चीज़ हो जाती है। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं जो मुझे हमेशा कॉपी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप चैट करते हो तो उसकी हाइट जरूर पता करना कि वो कितनी लंबी है। बट आप फिर भी इंस्टाग्राम पे लोगों से को बोलोगे कि आओ लेट्स कोलैबोरेट, फाइन हो गया। बहुत अच्छी मॉडल है एंड आई गेस इस वीडियो के बाद काफ़ी इंडिया में भी वो पॉपुलर हो रहा है। Mika Singh, girl, you been on my mind all night. Baby, rapping on my arms like everything alright. Shaggy, girl, you me want on my life. Baby, rap. Sasika, namaskar, assalamualaikum. This is the Bop of Indie Pop, Mika Singh. Catch my brand new song, Belly Ring. Featuring with the one and only Mr. Bombastic Shaggy, exclusively on 9XM, 9X Jalwa, 9X Station, and Sir, Mika Singh, girl, you know my mind all night. Baby, rapping on me, I think everything alright. Thank you. Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.